प्रणाम छात्रों, आप सबका श्रम शक्ति विद्या निकेतन इंग्लिश मीडियम स्कूल मालदा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मेरा नाम जाधव वर्षा है। आज मैं आपको कक्षा पांचवी का हिंदी विषय पढ़ाऊंगी। पिछली तासिका में मैंने आपको हिंदी के 1 से 50 तक अंक पढ़ाए थे और उन्हें किस तरह से लिखा जाता है और उनका उच्चारण कैसे किया जाता है ये भी सिखाया था। तो आज हम दिन और महीने इनका हिंदी में कैसे उच्चारण किया जाता है और उन्हें किस तरह से लिखा जाता है ये देखेंगे। देखिए छात्रों, यहाँ पे मैंने दिन और महीने लिखे हैं। तो पहले हम सप्ताह के दिन देखेंगे। सप्ताह में सभी को पता है शादी होते हैं, तो इनका हिंदी में किस तरह से उच्चारण किया जाता है, इन्हें हिंदी में किस तरह से लिखा जाता है ये आज हम यहाँ पे देखेंगे। पहले इतवार यानी कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इस तरह से हिंदी में हमें इस सप्ताह के बाद पढ़ने हैं। तो एक बार मैं फिर से ये सप्ताह के दिन पढ़ती हूँ। देखिए एक बार फिर से, बुधवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार भी, इतवार यानी कि रविवार और बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार। इस तरह से हमें हिंदी में दिन पढ़ने हैं और इस तरह से हमें लिखने हैं। तो आगे देखिए छात्रों, यहाँ पे मैंने अंग्रेजी वर्णों के नाम हिंदी में लिखे हैं, तो हम इन्हें पढ़ते हैं। पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरह से हमें अंग्रेजी महीने हिंदी में पढ़ने। तो एक बार मैं फिर से इन्हें पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनो और देखो। पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरह से हमें सभी अंग्रेजी महीने हिंदी में पढ़ने हैं। तो देखिए छात्र, यहाँ पर सितंबर इन दो तरीकों से लिखा जाता है। यहाँ पे नवंबर भी इस तरह से हम लिख सकते हैं, दिसंबर भी हम इन दो तरीकों से लिख सकते हैं। तो देखिए छात्र, इस तरह हम यहाँ पे अंग्रेजी महीने महीनों के नाम हिंदी में देखे। तो आगे हम क्या देखेंगे, मराठी महीनों के नाम, मराठी महीनों के नाम हिंदी में कैसे पढ़े जाते हैं और उनका उच्चारण कैसे किया जाते हैं ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए छात्रों, पहले चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, ये हुए मराठी के 12 महीने और इनका हम हिंदी में इस तरह से उच्चारण करते हैं। एक बार फिर से मैं सभी मराठी महीने हिंदी में पढ़ती हूँ। पहले चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, उसे हम श्रावण भी कहते हैं। उसके बाद भाद्रपद, भाद्रपद को भादो पे कहा जाता है। उसके बाद अश्विन, अश्विन को क्वारी कहा जाता है। कार्तिक, उसके बाद मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष को अखर ऐसा ही कहा जाता है। मार्गशीर्ष को क्या कहा जाता है, अखर, अखर इस तरह ऐसा भी मार्गशीर्ष को कहा जाता है। उसके बाद पौष, पौष को पुष ऐसा भी कहते हैं। उसके बाद माघ और आखिरी फाल्गुन, फाल्गुन को फाल्गुन ऐसा भी कहा जाता है। छात्रों, आज हमने हिंदी में दिन, अंग्रेजी महीने और मराठी महीने किस तरह से पढ़े जाते हैं
जाते हैं और उनका इस तरह से उच्चारण किया जाता है, ये यहाँ पे हमने देखा। तो अभी तासिका में मैं आपको कुछ नया सिखाऊंगी, होमवर्क में आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करूंगी। धन्यवाद।